हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आप पीछे तो आप देख ही रहे हो, वो भी एकदम बढ़िया है। सो आज के व्लॉग में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ठियोग। ठियोग में एक गांव आता है गुठान। तो गुठान में जो है आज डूम देवता का नया मंदिर है, उसकी प्रतिष्ठा है। तो वहाँ पर हम जा रहे हैं विजिट करने की क्या होता है, कैसा होता है, मतलब थोड़ा कल्चर देखना चाहिए आसपास का भी कि हिमाचल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अभी तो हम वैसे पहुंचने वाले शिमला से, तो हम निकल गए थे सुबह अराउंड 10 बजे हम शिमला से चले थे। तो अभी हम ठियोग में जो छैला आता है, छैला से हमने गुठान की तरफ को टर्न लिया है। तो अभी ऊपर पहुँचते फिर आपको भी दिखाते कि वहाँ पर क्या क्या चला हुआ है, कैसे कैसे हो रहा है, थोड़ा कल्चर दिखाते हैं आपको हिमाचल का। बाकी मेरे साथ आज एज यूजुअल भारती तो है ही, और साथ में मेरा कज़न भी है अनीश। तो चलते हैं आगे, फिर आगे चल के मिलते हैं। बाकी बीच बीच में ना मैं आपको क्लिप्स दिखाता हूँ यहाँ पे एप्पल ऑर्चिड्स वगैरह जो है। देखो गाइस, एप्पल के बगीचे। और देख लो गाइस, फिर से देखो एक बारी। गाइस देख रहे हो, सेब ही सेब। यहाँ पे सेब नहीं, मेरे को पैसा ही दिख रहा है पेड़ों पे लगा हुआ। अभी जाना है हमको यहाँ से भी आगे शर्मला जाना है हमने। शर्मला एक तो रोड ना बहुत छोटा है, तो यहाँ पे पास देने में बहुत प्रॉब्लम होती है यार। तो जैसा ना आप लोग देख सकते हो कि यहाँ का जो रोड है ना वो सिंगल लेन ही है। सामने से कोई गाड़ी भी आ रही है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है पास वास देने में, थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है काफी कुछ। तो और ये रोड सिंगल इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे बगीचे बगीचे है काफी। तो वैसे गांव का एरिया है, रिमोट एरिया है, तो थोड़ा ट्रैफिक का इश्यू भी रहता है इस वजह से। तो गाइस अभी हम गुठान मंदिर पहुंच गए हैं, सामने मंदिर है तो अभी दर्शन करने जा रहे हैं। और हमें अभी इससे थोड़ा सा आगे जाना है बिकॉज जैसे बुक्कू ने आपको बताया था कि आज यहाँ पे कोई
नया मंदिर बनाएगा। हाँ, उसकी प्रतिष्ठा होनी है। शर्मला गांव जाना है अभी हमें। हाँ, तो वहाँ हमने जाना है। तो अभी इससे पहले गुठान मंदिर आता है तो यहाँ पे अभी हम जाएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे। और वैसे आपने देखा ही होगा रास्ते में जो हमने आपको व्यू दिखाया आते हुए, काफी ज्यादा टाइट रोड था बिकॉज इतने सारे बगीचे लोगों के है। तो गाइस ये जो आप सामने देख रहे हो ये है गुठान मंदिर, और हम पहली बार इस मंदिर आ रहे हैं, मैं और बुग्गू पहली बार मंदिर आ रहे हैं। और जो लकी के कज़न हैं उनके साथ हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि वो पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं ना। तो ये मंदिर है, तो अभी अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं और देखते हैं किस तरह का है ये, क्योंकि यहाँ पे नया भी मंदिर बना है ना, तो वो भी अभी देखते हैं। तो गाइस ये देख सकते हो आप, मंदिर के साथ ही ये घर है। यहाँ पे घर का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो किस तरह का है, और वो सामने मंदिर है, और वो यहाँ पे कुछ इस तरह का ये बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ गुठान मंदिर जो है यहाँ पे डोम देवता का मंदिर है। तो बस अभी हम यहाँ पे दर्शन करते हैं जाके, और आप भी हम लोगों के साथ में दर्शन कर लो। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के, क्योंकि मैं पहली बार आ रही हूँ, और ये हमारे इष्ट देवता भी है। हमारे गांव में जो मंदिर है वो भी डोम देवता का ही मंदिर है। थे गुठान में, हमने दर्शन वर्शन किए। तो अब यहाँ पे ना हमें चाय पीने को मिली यार, फर्स्ट टाइम मैंने देखा ऐसा कि किसी मंदिर में हम गए और वहाँ पे हमें चाय दी पीने को, तो बढ़िया है। तो अब चाय पीते फिर आगे निकलते दूसरे गांव की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं शर्मला गांव, जहां पे हमें आना था, मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है जहां पे। तो यहां पे पार्किंग की तो दिक्कत थी फिर, तो यहां पे गाड़ी लगाने को जगह तो नहीं मिली, तो गाड़ी पीछे ही लगा दी क्योंकि पुलिस वालों ने बोला कि भाई पार्किंग नहीं आगे। तो वहां से आगे हम पैदल जा रहे हैं बिकॉज गाइस इतना ज़्यादा क्राउड है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना दूर से गाड़ियाँ लगी हुई थी, तो फिर भी हम तो थोड़ा सा आगे आए वहाँ से। अभी यहाँ से हम बाय वॉक जा रहे हैं, चलते आगे यहाँ से। Thank you.
का जो नृत्य करते हुए गाइस फंक्शन तो अभी चला ही है लेकिन हम शिमला के लिए निकल रहे हैं क्योंकि शाम हो गई थी और शिमला भी पहुंचना है और ठंड भी हो गई थी थोड़ी यहाँ पे, तो बेटर लगा कि अब चलते हैं शिमला की तरफ। बाकी जो क्लिप्स है वो हमने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं शिमला के लिए, बाकी आपने देखा क्या क्या हुआ फंक्शन में। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।